मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए इस सुंदर सुबह में प्रभु का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें रात भर संभाल के रखा, हमें अच्छी नींद दी, हमारे परिवारों को संभाल के रखा, हमारे परिवारों को जीवित रखा, हम लोगों को जीवित रखा, हमारे सारे रिश्तेदारों को जीवित रखा, हम लोगों को एक साथ रहने के लिए एक और नया मौका दिया, कि हम फिर से प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए इस सुंदर सुबह में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे और आज के इस दिन के लिए हम प्रभु से आशीष मांगेंगे कि आज के इस दिन में हम हर एक बीमारियों से बचे रहें, हर एक संकटों से बचे रहें। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आज आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ हो, तो आज के सुबह में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके हर एक दुख तकलीफ को, आपके हर एक बीमारियों को, हर एक समस्याओं को प्रभु आज दूर करेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए हम सब मिल के प्रभु से प्रार्थना करेंगे और विश्वास करें। वचन में क्या लिखा है, प्रभु यीशु कहता है, तुमने जो मांगा है तुम विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, वह तुम्हें मिल जाएगा। अगर आप विश्वास करेंगे आज की सुंदर सुबह में, तो आप जो मांगेंगे इस प्रार्थना में, आप जो प्रार्थना करेंगे वो आपको मिल जाएगा, केवल एक विश्वास करने की ज़रूरत है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए सब मिल के एक साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आपका हम। हे पिता परमेश्वर, आज के इस रात में प्रभु जी आपने हमें सही सलामत रखा और एक नई सुबह दिखाई, एक नई किरण दिखाई। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी हम आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी हे पिता परमेश्वर, आपने हमारे परिवारों को संभाल के रखा प्रभु जी, हर एक संकटों से बचाया, हर एक बीमारियों से बचाया, हर एक जादू टोने की शक्तियों से, हर एक विषैली जीव जंतुओं से बचा के रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, जिस तरह आपने हमें रात भर संभाल के रखा प्रभु जी, उसी प्रकार आज के सुंदर सुबह में प्रभु जी हमें आशीष दे, हम पर अपनी कृपा करे, हम पर अपना अनुग्रह बरसाए। प्रभु जी जिस प्रकार आपने हमें रात में आशीष दिया प्रभु जी, उसी प्रकार इस सुबह में हमें एक नई आशीष और एक नई शक्ति दे, एक नई सामर्थ्य दे प्रभु जी। आज के इस दिन में हम जो भी कार्य करें प्रभु जी, उससे आपकी महिमा हो। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आप दयालु हैं, आप दया सागर हैं प्रभु जी, आप हमसे प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी आप ही हमें खुशियाँ देते हैं प्रभु जी, आप ही हमारे शांति दाता हैं, आप ही हमारे मुक्ति दाता हैं प्रभु जी, आप ही हमारे घरों में, हमारे परिवारों में प्रभु जी शांति बरसाते हैं, हम लोगों से प्रेम करते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी, आपके वचनों में लिखा है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं वहाँ वहाँ तेरे संग रहूँगा प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी आज की सुंदर सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हे प्रभु जी आज के इस दिन में आप हमारे साथ रहे प्रभु जी, आप हमारे हर एक कार्यों में आशीष दे, हमारे साथ रहे। हे प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में प्रभु जी जितने भी भाई बहन बीमार हैं प्रभु जी, जिनके घरों में, जिनके माता पिता, जिनके भाई बहन बीमार हैं प्रभु जी, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन लोगों के घरों में अपनी आशीष वर्षा, अपनी चंगाई वर्षा प्रभु जी, जिन घरों में अशांति है प्रभु जी, जिन घरों में चिंताएँ हैं प्रभु जी, उन घरों में अपनी शांति को बरसा, अपनी आशीष को बरसा प्रभु जी, ताकि वे शांति से सुखी से रह सके प्रभु जी। हे प्रभु जी उन लोगों पर दया कर। हे पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं। हालेलुया। हे प्रभु जी आपके वचनों में लिखा है कि आप दुखियों से दूर नहीं प्रभु जी, जिनका मन टूट गया है आप उन्हें संभालते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी उन लोगों को संभाल और आशीष दे प्रभु जी। हे प्रभु जी हम सब आपके बेटे बेटियां हैं प्रभु जी, हम लोगों पर दया कर। हे पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं, हम लोगों पर दया कर। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, वो महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आपके वचनों में सामर्थ्य है प्रभु जी, आपके वचनों में सामर्थ्य और शक्ति है प्रभु जी। हे प्रभु जी आपके वचनों में लिखा है कि तेरे विरुद्ध गाढ़ा हुआ कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा। हे पिता परमेश्वर आज के इस दिन में हमारे ऊपर कोई भी शस्त्र सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु जी आप हमारे ढाल हैं प्रभु जी, आप हमें अपने पंखों की आड़ में छुपा के रखते हैं प्रभु जी,
आज के इस दिन में प्रभु जी हमारे ऊपर कोई भी अस्त्र शस्त्र सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु जी आप हमें संभालते हैं। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के इस दिन में हमें हर एक पापों से बचा कर रख, हमें हर एक शैतान की युक्तियों से बचा कर रख प्रभु जी, और शैतान की चालों से बचे रहें हे प्रभु जी। और आज के इस दिन में हम कोई भी पाप न कर बैठे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर हम आपके वचनों पर चले, आपके मार्गों पर चले प्रभु जी। हे प्रभु जी हम पर ऐसा अनुग्रह कर प्रभु जी, हम आपके अनुग्रह के बिना आपकी दया के बिना प्रभु जी हम कुछ भी नहीं प्रभु जी। हे प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी आपकी उपस्थिति के बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं प्रभु जी। हे प्रभु जी अपनी उपस्थिति को, अपनी दया को, अपने प्रेम को हमारे ऊपर बरसा प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हम आज के इस दिन में प्रभु जी हम आज के इस दिन में आपकी महिमा के लिए सारे कार्य करें। हे प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर आज के इस दिन में प्रभु जी जितने भी भाई बहन लोग हैं जो आज घर से बाहर जाने वाले या कोई भी कार्य से प्रभु जी आज घर से बाहर जाने वाले, हे प्रभु जी आज उन्हें हर एक संकटों से, हर एक एक्सीडेंट से प्रभु जी उन्हें बचा के रख, उन्हें हर एक संकटों से बचा के रख। हे प्रभु जी उनके ऊपर आने वाले हर एक विपत्तियों को दूर कर प्रभु जी। हे प्रभु जी तू हर एक लोगों को जानता है, उनके भविष्य को जानता है, उनके मन की बातों को जानता है प्रभु जी। आज उनके ऊपर आने वाले हर एक संकटों को दूर कर। हे पिता परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी आज के इस दिन में पिता परमेश्वर आज के इस दिन में उन सभी लोगों पर अपनी आशीष बरसा प्रभु जी, ताकि उन सारे लोगों से आपकी महिमा हो। हे प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं। हे पिता परमेश्वर आप महान हैं प्रभु जी, आप पवित्र हैं, आप दयालु हैं प्रभु जी। उन लोगों पर भी दया कर प्रभु जी जो लोग पाप में गिरे हैं प्रभु जी, जो लोग आपको नहीं जाने हैं अभी तक प्रभु जी, उन लोगों पर अपना अनुग्रह कर प्रभु जी, ताकि वे लोग आपको जान पाए और आपके मार्गों पर चल पाए प्रभु जी, वो भी नरक की आगों से बच पाए पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं। हे पिता परमेश्वर उन लोगों पर दया कर। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर आज के इस दिन में प्रभु जी हम अपने आप को, अपने पूरे परिवारों को आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज के इस दिन में हम लोगों पर अपनी दया दृष्टि कर, अपनी आशीष वर्षा, और प्रभु जी आज के इस दिन में हमारी अगुवाई कर। हे प्रभु जी हम अपने आप को आपके चरणों में सौंपते हैं, अपने पंखों की आड़ से में ढक लीजिए प्रभु जी। हे प्रभु जी हम उन भाई बहनों को भी आपके चरणों में सौंपते हैं जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी और विश्वास कर रहे हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी हम आपसे विनती करते हैं उन सभी लोगों को अपने पंखों के आड़ में ले ले, और हर एक बीमारियों से, हर एक जादू टोने की शक्तियों से, हर एक संकटों से, हर एक दुर्घटनाओं से प्रभु जी आज के इस दिन में उन्हें सुरक्षित रख, उन्हें बचा के रख प्रभु जी। और उनके घरों में जो भी चिंताएं समस्याएं प्रभु जी उन लोगों की हर एक समस्याओं को तो दूर कर। पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं। आमीन।